सभी को नमस्कार। आपकी सदस्यता मुझे इससे चिपके रहने की एकमात्र प्रेरणा है। कृपया मेरी सदस्यता लें और मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। देर रात संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर लुटेरे का पीछा पुलिस ने किया। कॉमरेड पकड़े जाने से डरते थे, रे को छोड़कर भाग गए। रे हताश हो गए और जल्दी में सुपरमार्केट में छिप गए। रे ने पुलिस से जमकर लड़ाई की। रे गंभीर रूप से घायल थे और मरने वाले हैं। उसने अपने पास एक गुड़िया उठाई, मंत्र का उच्चारण करें और आत्मा को गुड़िया पर रखें। प्रक्रिया बहुत क्रूर है। बिजली को तलब किया गया जिससे विस्फोट हुआ। खिलौने की दुकान में विस्फोट हो गया और आग की लपटों में घिर गया। पुलिस ने रे को पाया, सोचा था कि उसे मार दिया गया था। एंडी एक अच्छा व्यवहार करने वाला लड़का है। बहुत जल्दी उठने पर उन्होंने अपनी माँ करियन के लिए नाश्ता बनाया। वह एक गुड़िया बहुत चाहता था। करीन काम में बहुत व्यस्त है, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। भले ही वह जन्मदिन हो, एंडी को भी गुड़िया नहीं मिली। खिलौने की दुकान में विस्फोट के बाद गुड़िया सड़क पर विक्रेताओं द्वारा बेची गई। अनुचित गुड़िया सस्ते हैं। करीन ने एंडी के लिए एक खरीदा। मुझे आखिरकार वह गुड़िया मिल गई जो मैं चाहता था। एंडी बहुत उत्साहित है, हर दिन गुड़िया के साथ खेलते हैं। करीन का काम बहुत व्यस्त है, रात में ओवरटाइम काम करने की जरूरत है। उसने एंडी की देखभाल में मदद करने के लिए अपना सबसे अच्छा दोस्त सौंपा। रात में एंडी सो गया। जब मेरी प्रेमिका ने रसोई साफ की तो टीवी अचानक चालू हो गया और गुड़िया भी कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। सबसे अच्छा दोस्त सोचता है कि यह एंडी द्वारा एक प्रैंक होना चाहिए। देर रात मेरा सबसे अच्छा दोस्त पढ़ रहा है। अचानक पीछे भागने की आवाज सुनी। मेरी प्रेमिका ने सोचा कि यह एंडी है। ने जांच के लिए दरवाजा खोला, पाया कि दरवाजा अवरुद्ध था। अचानक एक हथौड़ा उड़ गया, अपनी गर्ल फ्रेंड की आंखों में सीधे काटे। मेरी प्रेमिका खिड़की से बाहर गिर गई। मैं उनकी मृत्यु के लिए गिर गया। पुलिस ने काफी देर तक अपराध स्थल की छानबीन की। संदिग्ध छोटे पैरों के निशान खोजने के अलावा अन्य कोई निष्कर्ष नहीं। जैसे पुलिस छोड़ने वाली थी, एंडी को गुड़िया के पैरों के निशान बहुत संदिग्ध लगे। एंडी ने जल्दबाजी में पुलिस को इस बड़ी खोज के बारे में बताया, लेकिन करीन और पुलिस दोनों को लगता है कि बच्चे ने जो कहा वह विश्वसनीय नहीं है। पुलिस करीन के घर से चली जाती है। कोई यह नहीं सोचेगा कि एक गुड़िया बात कर सकती है, मार डालेगा। करीन ने इस पर विश्वास नहीं किया और पुलिस ने यह नहीं माना। एंडी ने गुड़िया का उल्लेख करना बंद कर दिया।